आज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है मूवी खूफी, जिसके पहले में मैंने आपको बताया था कि ये मूवी जो है एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर एक रॉ एजेंट जो इंडिया के सीक्रेट्स को बेच रहा है और उसी का पता रॉ एजेंट्स खुद लगा रहे हैं कि एक्चुअल में ये आदमी किसको ये सारे सीक्रेट्स बेच रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके अंदर भी फिल्मी कीड़ा तो फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मुझसे मिलती रहेगी ढेर सारी फिल्मी अपडेट्स, ट्रेलर, रिव्यू और बहुत कुछ। तो खुफिया मूवी का जब ट्रेलर आया था तो वो देख करके इतना एक्साइटिंग लगा था कि कुछ नया देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। ये एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है और मूवी तो मैंने देखी, लेकिन जितना ज्यादा एक्साइटमेंट एक जो टाइटल आता है ना मूवी का खुफिया, तो खुफिया का जो टाइटल था उससे एक एक्साइटमेंट दिमाग में ऑटोमेटिकली बन जाती है कि कुछ ऐसा होगा कि हम सीट पकड़ के बैठ जाएंगे और इसके रिवील होने का इंतजार करेंगे एक्चुअल में क्या था। तो ऐसा कुछ आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी स्टोरी आपको पहले ही रिवील हो जाएगी कि यही वो इंसान है जो बेच रहा है इंडिया के सीक्रेट। और थोड़ा स्टोरी स्टार्टिंग से आपको समझने में थोड़ा दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टोरी उसको बहुत ज़्यादा घुमा दिया गया है स्टार्टिंग में दिखा के, फिर लास्ट में उसका जो कनेक्शन आपको मिलेगा, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थोड़ा वो हो जाएंगी कि आप सोचेंगे कि क्या चल रहा है। लेकिन लास्ट में जब मूवी आएगी तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में क्या चल रहा है। और बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं था, खुफिया जैसा नाम था वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। सारी स्टोरी आपके सामने होगी और बहुत स्लो स्टोरी चलेगी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया मूवी को देखने में। लेकिन एक स्टोरी देखने को मिली और थोड़ी खिचड़ी सी पकी हुई स्टोरी देखी मैंने, तो ओवरऑल मूवी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगी जिस हिसाब से इसका टाइटल था। रॉय एजेंट्स की कहानी थी, लेकिन अब वो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको नहीं पता चलेगा। और कुछ एक दो शॉट्स ऐसे जो है एडल्ट शॉट्स भी इसमें डाले गए हैं जिनका मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी मूवी में। तो बेशक आप ये मूवी फैमिली के साथ तो नहीं इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक दो शॉट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि वो आपको स्किप करने पड़ेंगे। मे बी आप देखना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और ओवरऑल मूवी को मैं दूंगा 2.5 स्टार, क्योंकि उतना इंगेजिंग नहीं लगा जिस हिसाब से टाइटल होता उस हिसाब से मूवी आपके सामने आनी चाहिए, जो मुझे इंगेजिंग नहीं लगा। तो ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।